हमको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है और ये हम लोग 1 लाख से 10 लाख लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। शायद देश में हम लोग की पहली पार्टी होगी जो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार की है। ये बिहार के ही बच्चे हैं जो IIT वगैरह में पढ़ते हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने तैयार किया है। इसमें अपना TV भी है और उस पर सारा वीडियो यात्रा काम वो सारा कुछ रहेगा। कोई अगर कोई फीडबैक देना चाहे, ओपिनियन देना चाहे, वो भी इस पर मिल जाएगा। आने वाले चुनाव में जो 7 तारीख को हम लोगों का रैली है मुख्यमंत्री का, वो इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग का। जनता दल यू ने डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। जाहिर है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसकी जोर शोर से तैयारी कर रही है जनता दल यू। ये बताइए क्या है ये डिजिटल डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म? ये डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये पार्टी का अपना प्लेटफॉर्म है। अभी तक आप देखते होंगे कि लोग को अगर कोई मीटिंग करना हो वर्चुअल तो आप जूम लेते हैं या गूगल मीट पे जाते हैं। अब हमको किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है और ये हम लोग 1 लाख से 10 लाख लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। शायद देश में हम लोग की पहली पार्टी होगी जो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार की है। ये बिहार के ही बच्चे हैं जो IIT वगैरह में पढ़ते हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने तैयार किया है। इसमें अपना TV भी है और उस पर सारा वीडियो यात्रा काम वो सारा कुछ रहेगा। कोई अगर कोई फीडबैक देना चाहे, ओपिनियन देना चाहे, वो भी इस पर मिल जाएगा। आने वाले चुनाव में जो 7 तारीख को हम लोगों का रैली है मुख्यमंत्री का, वो इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग का। तो उसमें कितने लोग उसको देख सकेंगे, कितने लोग शामिल होंगे? अभी तो लगभग 1.5 लाख लोग इसमें इस एक प्लेटफॉर्म से शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो कर रहे हैं वो फेसबुक या ट्विटर, वो तो अलग है, लेकिन एक इस प्लेटफॉर्म से 1.5 लाख लोग देख सकते हैं। प्लस 2-वे कम्युनिकेशन भी है दोनों साइड से। उसमें नंबर अभी 500,000 है कि आप अपने कोर वर्कर से बात कर सकते हैं। तो एक अभी डेवलप, आप फिर धीरे धीरे और इम्प्रोवाइज होगा इसमें सारा चीज़, लेकिन पहला अपना पार्टी का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आज लॉन्च देश में, मतलब और किसी पार्टी को नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आता किसी के पास होगा। आपके सहयोगी दल जो इतना डिजिटली ज़्यादा रिच हैं, BJP, उनके पास भी नहीं, मुझे नहीं ध्यान आता है कि किसी पार्टी के पास अपना कोई प्लेटफॉर्म हो, और शायद होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये पार्टी का अपना डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हो गया है। और अभी अब हमको कोई जो बात होती है ना, ये मेड इन बिहार है, ये जो JDU लाइव देख रहे हैं मेड इन बिहार है, बिहार के ही बच्चे लोगों ने बना दिया इसको, इसलिए हमको अब किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से हम लाइव पूरा बिहार में कर सकते हैं। हम जो देख रहे हैं JDU ऑफिस का पूरा स्वरूप बदला हुआ है, बहुत सारे नारे भी लिखे हुए हैं, नए नए नारे गढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो चुनाव का मौसम आ गया तो नारा तो हो ही जाता है, और क्योंकि हम लोग का अचीवमेंट इतना है तो नारा की कोई कमी नहीं है, पॉजिटिव नारा की 15 साल का। लेकिन चुनाव आ गया है, अभी तक आप लोगों का सीटों का तालमेल नहीं हो पाया BJP LJP इन लोगों से, अभी कब होगा? जो लोग जानते हैं NDO को, लोकसभा में यही बात हो रही थी, उनको पता है कि लोकसभा में काफी पहले हो गया था। अभी तो कहा कुछ, अभी तो हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत तो? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, इतनी मेच्योरिटी है दोनों साइड में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। JDU ज्यादा सीटों पर लड़ेगी? नहीं, अब बात सब लोग कर रहा है, मैं इस पर इसलिए नहीं कोई करूंगा, कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन दोनों पार्टी के लोग बैठ के निकाल लेंगे। पॉजिटिव मतलब 100%। तो ये थे संजय झा, बिहार सरकार में मंत्री और JDU के नेता, जिनका कहना था कि ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म JDU ने बनाया है, जो कि पूरे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, और इसमें 1 से 10 लाख तक के लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। पार्टी ने सभागार इसलिए बनवाया कि पार्टी को बराबर सभागार में कोई भी मीटिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, भाड़े पर लेना पड़ता था,
और कोई भी वर्कर या कार्यकर्ता कोई कार्यक्रम कराना चाहता था तो उसको भी बाहर जाना पड़ता था। तो हम लोगों को जब स्पेस मिला था तो एक अस्थाई हॉल का निर्माण कराया गया है पार्टी के द्वारा। और इसमें क्या खासियत है इस हॉल में, कितने लोगों के बैठने का है? और ये करीब करीब हमारे समझ से इसमें 900 लोगों के बैठने का इंतज़ाम है। और इस पर यहाँ पर सीएम एड्रेस कर सकते हैं, आने वाले समय में जो वर्चुअल रैलियाँ होंगी उसमें भी सीएम इसको इससे एड्रेस करेंगे, यहाँ से एड्रेस करेंगे। ये 7 सितंबर को जो वर्चुअल रैली होने वाली है यहाँ से सीएम, और वो जो आपका डिजिटल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बना है उसके जरिए पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों तक अभी तक पहुँचने की कैपेसिटी है कि हम उस डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10 लाख लोगों तक पहुँच सकते हैं। और हम लोगों का और उसके अलावा एक तो ये प्लेटफॉर्म होगा, ये नहीं कि सिर्फ हमारा यही प्लेटफॉर्म हो, इसके अलावा सीएम का फेसबुक पेज है, सीएम का ट्विटर है, पार्टी का फेसबुक पेज है, उस सब के माध्यम से भी हम लोग उस दिन जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये कोरोना काल का सोच है या पहले से पार्टी का? नहीं, कोरोना के कारण ही ये सब इस तरह का सब व्यवस्था डेवलप हुआ, क्योंकि सीएम तो इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि वो डिजिटल पर जा कर के भाषण दें और कहें, वो तो डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उसके हिसाब से निर्णय करते हैं।